प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां दहेज के लिए युवती की हत्या कर दी गई। दहेज लोभी ससुराल वालों पर 2 लाख रुपए और कार मांगने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पिता ने मुकदमा दर्ज कराया है। काफी मशक्कत के बाद पुलिस 7 घंटे बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज पाई। महेशगंज थाना क्षेत्र के फतुहाबाद गांव निवासी कन्हैयालाल मिश्रा ने 2019 में अपनी बेटी प्रिया की शादी थाना क्षेत्र के बला कपूरवा रायगढ़ गांव निवासी नीरज दुबे पुत्र रमा शंकर के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन प्रिया को दहेज में कार और 2 लाख रुपए नकद के लिए प्रताड़ित करते थे, जिस पर कुछ माह पहले पिता ने कुछ पैसे जमा कर एक वैगनआर कार फाइनेंस कराया था, लेकिन 2 लाख नकद की मांग पूरी नहीं हो सकी, जिसको लेकर शुक्रवार को भी प्रिया को दहेज के लिए मारा पीटा गया। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उसने फोन कर अपनी मां को मायके से बुलाने के लिए कहा, जिस पर मां ने सुबह उसके पिता को भेजने की बात कही। शनिवार सुबह मायके पक्ष के लोगों की ओर से सूचना दी गई कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, उसे लेकर कुंडा सीएससी जा रहे हैं, आप लोग भी वहीं पर मिलिए। जब मायके पक्ष के लोग सीएससी कुंडा पहुंचे तो प्रिया स्ट्रेचर पर मृत पड़ी थी और आरोपी पति मौके से फरार था। उसके गले पर रस्सी का निशान था। प्रिया के पिता कन्हैया लाल ने बेटी को दहेज के लिए मार डालने का आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद ही शव को पोस्टमार्टम कराने की बात कही। सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक शव पुलिस कब्जे में नहीं ले पाई। इस दौरान अस्पताल में कोहराम मचा रहा और मायके पक्ष की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित पति नीरज दुबे, ससुर रमा शंकर, सास सुधा के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर मृतका की सास सुधा को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या आरोपी पति की तलाश पुलिस कर रही है। प्रतापगढ़ जिले की खबरों की लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। खबर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज पेज को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।